ये अभी अंजनेरी पर्वत पे जाएंगे अभी हम, लेकिन उससे पहले अंजनी माता का मंदिर है, अंजनी माता बाल हनुमान मंदिर, और ये मंदिर चलते हैं दर्शन करते हैं। चप्पल अंदर उतारनी पड़ेगी, और बारिश चालू हो गई, अभी थोड़ा कम हुई है, लेकिन फिर भी देखिए ये रेन कवर हमने पहना है, पानी से बचा रहा है हमें। ये नीचे गांव का नज़ारा, ये इस रास्ते से हम, थोड़ा कच्चा है रास्ता, और वहां से होते हुए आए थे, अभी पहुंचे मंदिर। ये हनुमान जी की माता अंजनी माता का मंदिर है, और बाल हनुमान देखने को मिलेंगे। क्या नज़ारा है, ये है अंजनेरी पर्वत और अंजनी माता का मंदिर। इसके सामने आप देखिए व्यू, अभी ऊपर जाने की कोशिश करेंगे देखिए, और शायद वहाँ पे गाड़ी मैक्सिमम नहीं जाएगी ऊपर तक, बट जहाँ तक भी जाएगी उसके बाद ट्रैकिंग होती है पैदल की, तो वो सब हम देखते हैं अभी कैसे पहुँचते हैं वहाँ पर। मर के जाएगा ना गाड़ी आपका, वो झरना दिखता है बड़ा झरना, हाँ वो झरना के नीचे तक गाड़ी जाएगा, उधर पार्किंग है, मोटा पार्किंग है उधर। अच्छा, कोई भी गाड़ी जाते है, बड़ा छोटा सब गाड़ी जाता है, जाता है। हाँ, वो झरना से नीचे तक, झरना से यहाँ तक आने तो बहुत दूर होगी, वो अलग है, वो अलग है, 3 किलोमीटर है। कौन सा अलग है, वहाँ जाना अलग है, वो जो पर्वत है अंजनेरी पर्वत, पहाड़ में मैं आपको जाने का है। अच्छा, ऊपर अंजनेरी पर्वत, इधर से बंगले से है ना, राइट टर्न मार के गाड़ी ऊपर चढ़ेगा इधर से। अच्छा, ये अंडरग्राउंड है गाड़ी, गाड़ी जाने का अंडरग्राउंड है, मतलब ऊंचा होगा ना, नीचे घेरा होगा, बाजू बाजू में दीवार बनाया है, बाजू बाजू दीवार बनी है। अच्छा, वैसे अंडरग्राउंड, मैंने टनल बनी हुई अंदर। ये अंजनी पर्वत है, ये मेन अंजनी पर्वत है, ये अंजनी माता का गांव है ना, ये घर है उनका, ये पहले से ये उनका ये पहाड़ था, ये इसको डेवलप करते अभी 8 वर्ष हो गया इसको, इसके ऊपर इसको मंदिर बना रहे। जो मंदिर वो छोटी सी दिख रहा है उसके, वो क्या है, वो कुछ नहीं, वो तो पत्थर ना, देखो ना हनुमान जी बैठे 1000 वर्ष पूर्व, अभी तो पत्थर बन गए ना वो। अच्छा, तो हनुमान जी है मतलब, ये तो कलयुग युग है ना, इधर ये तो कलयुग है ना, वो तो हनुमान जी बैठे है ना 1000 वर्ष, कितने 1000 वर्ष पूर्व बैठे होंगे वो तपस्या करने के लिए। अच्छा, ये बैठे उनके सामने एक लंबा पत्थर है, वो देखो वो वाला जो दगड़ दिखता है, वो ऊपर जाने के बाद आपको दिखाई देगा, रामचंद्र खड़ा है, ये बैठे हनुमान जी बैठे उनके नीचे। तो हमें तो कुछ और ही लगा था, लेकिन हनुमान जी बैठे हैं यहाँ से, हनुमान जी यहाँ बंदर ही लग रहे हैं ना, वो हनुमान ही लग रहे हैं, देखो। अरे हाँ, यहाँ से देखो ना, यहाँ से देखो मुंह, क्या बात है, सही बात है, प्रॉपर प्रॉपर लग रहे हैं हनुमान जी, हनुमान जी बैठे आराम से, ऐसा लग रहा है। वो जितना पहाड़ के साइड में है ना, सिंगल पत्थर है, वो ऐसे लगा हुआ दिखता है, वो सिंगल पत्थर है, रामचंद्र खड़ा है जैसे, किधर उधर ना, हाँ हाँ वो पहाड़ दिखता है, देखो अलग पहाड़, सिंगल पहाड़ अलग से वो दिख रहा है। अच्छा, ये भी सिंगल पत्थर है वो वाला ना उधर, हाँ सामने पे दिख रहा था क्या वाला, हाँ हाँ हाँ, अरे बाप रे क्या बात है, एक्चुअली ऐसा यहाँ से दिख रहा ना, वो पहाड़ ऊंचा होगा ना, इधर ऐसे ऐसे चीज ये देखने भी है, इधर बहुत आदमी को मालूम ही नहीं है, सिर्फ लोगों को मालूम है कि ऊपर जन्म स्थान है, और ऊपर ओरिजिनल गुफा है, हनुमान तले है, जो हनुमान जी का पेड़ गिरा है, पेड़ के निशान में तालाब है, वो पानी बहुत 1000 वर्ष हो गया है, वो पानी कभी सूखता नहीं, कम नहीं होता। अच्छा, वैसे ही वैसे 4-5 हज़ार से भी ज्यादा बंदर है, फोटो खींच लेना, दो तीन प्रकार के बंदर है, नहीं यहाँ पर से भी कुछ पूरा तालाब है, उधर लाल बंदर है, तालाब है उधर, हाँ उनका पेड़ गिरा है, हाँ निशान में तालाब है। अच्छा, नहीं ये हनुमान जी का एरिया है, शांति एरिया है, हाँ
और जो तालाब है ना, जो हनुमान जी का पेड़ गिरा है, जो बचपन में वो सूर्यास्त को पकड़ने के लिए गए थे, तब सूर्य जब सूर्यास्त को पकड़ने के लिए गए थे ना, वो ये फल करके फल समझ के खा लिया था, खा लिए थे नहीं, वो खाने के लिए जा रहे थे, लेकिन वो सूर्यदेव ने उनको लात मार दिया। लात मारने के बाद वो एक जगह में गिर जाते है ना, जब गिरने के टाइम में उनका पैर गिर दब जाता है नीचे, नीचे दब के वो वही स्थान में वो गिर जाते। वो देखो गिर गए, देखो हनुमान जी गिर गए, देखो सामने वाला। और उनका पैर सीधा है ना, उधर तालाब है उनका पैर का, ये इनका किरड है, और ये इनका डोको है, ये इनका शरीर है, ये इनका पेट है, वो उनका लेग है, और लेग के आगे उनका पैर गिरा है, उनमें से तलब बन गया है। अरे बाप रे, क्या है ये, तो ये तलब से भी भरा है। अच्छा, जो ये तलब है ना, ये वाला, ये नहीं, ये गांव का तलब है, गांव का है ये तलब से भी बहुत बड़ा है तलब वो। अच्छा 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 अच्छा, ये तो कुछ नहीं है, ये तो ये तलब है ना, उसका है कि ये उंगली है। अच्छा, हाँ, ये बड़ा अंगूठा ना, वो इतना बड़ा तलब है, इससे भी ज्यादा बड़ा तालाब है। अच्छा, जब इतनी बड़ी देखने रहे, इतनी बड़ी बॉडी होगी तो कितना बड़ा तो पैर ही होगा। पर शेप देख ना, शेप बहुत बड़ा जगह है आखा। अभी पंडित जी से हमने इस मंदिर के बारे में जाना और इस एरिया के बारे में जाना, तो यही पता लगाया कि अगर जो अभी ऊपर जा रहे हैं वहाँ अंजनी हिल्स में, और वहाँ पर हनुमान जी बैठे हुए नज़र आते हैं, जो आपने अगर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो नज़दीक से जाके भी देखने की कोशिश करेंगे। और हमें दिखाई दिए प्रॉपर, और ये गांव जो है अंजनी माता का गांव है, और इस गांव में अंजनी माता जन्म हुई थी और उन्होंने तपस्या की थी, और शिव जी जो है उनके गर्भ में आए क्योंकि उन्होंने इस चीज़ के लिए तपस्या की थी, और हनुमान जी शिव जी का ही रूप है, आपको पता है। तो जब हम रोड से आ रहे थे, ये जो पर्वत है हमें शिव जी के आकार का नज़र आ रहा था पहले, और अब जब हमने देखा तो ये हनुमान जी की पूरी शेप जो है बैठे हुए वो हमें दिखाई दिए। ऊपर जाके देखते हैं और वहाँ जाके कोशिश करते हैं देखने की कि कहाँ तक हम पहुँचते हैं, क्योंकि अभी पता नहीं आगे रास्ता कैसा है, तो चलिए देखते हैं। अब ये पहुँच गए हैं बिल्कुल नज़दीक, ये देखिए सामने राम जी हैं। हाँ, ये देखिए हनुमान जी बैठे हुए नज़र आएंगे, ध्यान से देखिए आपको समझ में आएगा, मुझे तो यहाँ से पूरा नज़र आ रहा है। और ये सामने अभी ढंग से क्लियर नहीं है, लेकिन बताया जाता है राम जी की शक्ल दिखाई देगी इधर से। अच्छा, एक सिंगल और पर्वत है ये। हाँ, ये सिंगल पर्वत है, और ऊपर उधर की तरफ वो झरना दिख रहा है, उस तरफ से पूरी जो लाइन है अगर आप देखने की कोशिश करें, वो जो है वहाँ पर हनुमान जी का सिर और वो नीचे पैर, और ये वो अवस्था है जब हनुमान जी जब सूर्य को निकलने के लिए जा रहे थे और उनको गिर गए थे वहाँ पर, जब सूरज ने उनको धक्का दिया था, तो उसके बाद वो ऐसे गिरती हुई पोजीशन में दिखेंगे आपको। ये देखिए, यहाँ सिर है और ये इनकी बॉडी, और ये यहाँ पर पैर, और यहाँ पर ये अंजनी पर्वत, और यहाँ पर आपको हनुमान जी बैठे हुए नज़र आएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आगे, जहाँ झरना है उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, और वहाँ पे हमें देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पे गाड़ी लाने के बाद गाड़ी हमारी फंस चुकी है, और ये देखो कैसी ये चिकनी मिट्टी है, ये पूरी, ये देखिए ये सन चुके हैं पूरे ढंग से मिट्टी में, धक्का मारने के चक्कर में पूरी मिट्टी मिट्टी मेरे बदन पे लग गई है। अब हमारे ड्राइवर साहब कुछ ये देखिए, रुक जा रुक जा चल, इतना मैंने सोचा नहीं था, बहुत ज्यादा निकल नहीं रहा।
स्लिप हो रही है इसमें गाड़ी, पूरा लग चुका है यार, इसमें निकलेगी कैसी गाड़ी? अंकित अब चल, चलो अंकित में काट ये इधर कट जाएगी, इधर 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 कट, हाँ इधर काट ओके। हाँ ये देखिए आप गौर से देखिए इन्हें, ये देखिए इनके हरकतें, पर्स धोरो तुम साथ में, नहीं उसको दे दिया मैंने, ये पूरे के पूरे कपड़े मेहनत से सने हुए पसीने से, और ये हम अंजनी पर्वत के नीचे इस कंडीशन में, बजरंगबली का नाम लिया तो गाड़ी खींच गई।